स्वागत है दोस्तों आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आपने क्लिक किया होगा क्योंकि अगर आप पर्सनटाइल को फ़ेस कर रहे हैं तभी आप क्लिक किए होंगे यहाँ पे और एक बात कहना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले और जो कि मैं हमेशा कहता हूँ ट्रस्ट हो तो ही मेरा वीडियो देखना यार वरना प्लीज़ डिसलाइक करके आप जा सकते हो ठीक है मुझे लाइक करें डिसलाइक करें सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बस दो लोगों की हेल्प हो जाए ठीक है वो मेरे मैं कोशिश करूँगा मैं जितना हेल्प करने की उसके वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए वो बहुत बड़ी बात है आप पॉजिटिव रहें बहुत बड़ी बात है ठीक है तो आप ऐसे भी मेरे वीडियोस ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं यार 150 लोग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग देखते हैं ठीक है तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ही वीडियो को एंड तक देखना चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट किए ओवरऑल मैं बताऊँगा सर एस का मौका लगाया विलियम्स का स्कोर फिफ्टी आ रहा है सिक्सटी आ रहा है इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है फिर भी इतना ही जा रहा है ठीक है स्पीड नहीं बढ़ रहा है तो और परसेंटाइल पचास साठ सत्तर के आसपास ही रह रहा है उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है तो मैं डीमोटिवेट हो गया परसेंटाइल के कारण तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये परसेंटाइल का केस हटा दो जिंदगी से जैसे मैंने आपको बताया मेरा मैंने जब पहले मौक़ देता था मेरा चालीस पचास परसेंटाइल हार्डली आता था क्योंकि मैं उतना इंटरेस्ट नहीं देता था यार ठीक है इंटरेस्ट नहीं देता था ऐसे ही आता है तो आ रहा था फिर भी मैंने मेंस क्लियर किया है ठीक है मतलब ऐसे भी मॉक लगा के मैं इतना मॉक लगाया भी नहीं हूँ दस पाँच मॉक भी नहीं लगाया होगा अभी तक मेंस का ठीक है प्रीलिम्स का भी वही पाँच से दस मौक मैक्सिमम अभी लगाया होगा अभी तक लाइफ में तो ये मॉक है ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यार मेरे अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट नहीं है ठीक है अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो आप प्रैक्टिस करके भी क्वेश्चन का स्पीड बढ़ा सकते हो अपने आप ठीक है वो आप पे डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट कर रहे हो कितना स्पीड में सॉल्व कर रहे हो पहले तो कोई मौक़ नहीं होता था फिर भी लोग क्लियर करते थे एग्ज़ाम तो ये परसेंटाइल के चक्कर में ना रहे हैं आप अब भले ही साठ अटैम्प हो रहा है सत्तर अटैम्प हो रहा है लेकिन एक बात याद रखना ये परसेंटाइल का केस से पहले एक याद रखना एक बात आप एक बात याद रखना कि आपका हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं फर्स्ट ऑफ जैसे रीजनिंग कर रहे हो सारा टॉपिक आपको आता है कि नहीं और कौन सा टॉपिक आपको नहीं आता है और कौन सा आता है और टाइम लगता है सॉल्व करने में ठीक है उस पर काम करना परसेंटाइल को छोड़ो ठीक है उस पर काम करना ऑटोमेटिकली वो परसेंटाइल जो भी है आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ठीक है वो बढ़े ना बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है लेकिन एक होता है ना आप आपका अटैम स्पीड सब कुछ बढ़ेगा जो वीक पॉइंट है उस पर आप काम करें ठीक है मान लो सिलॉक्स से आपको कुछ डाउट हो रहा है तो सिलॉक्स का प्रैक्टिस करें जितना सेट लगाने से दस सेट लगाएं सिर्फ सिलॉक्स का तो उसमें आप अगर पूरा करेक्ट मिल रहा है और कुछ रॉन्ग मिल रहा है तो आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ इंप्रूवमेंट होगा और ये परसेंटाइल आप मॉक लगाएं भले ही फिफ्टी परसेंटाइल आ रहा है डीमोटिवेट ना हो फिफ्टी परसेंटाइल आया कोई बात नहीं आप वो मॉक का पूरा एनालिसिस करना सारा क्वेश्चन करने की कोशिश करना स्पेशली रीजनिंग का ठीक है स्पेशली रीजनिंग का और इंग्लिश दे रहे हो तो इंग्लिश का मैथ्स का पूरा नहीं भी करेंगे तो चलेगा ठीक है रीजनिंग मैथ्स का वो क्वेश्चन करना जो आपको टॉपिक हंड्रेड परसेंट आती हो क्योंकि कोई टॉपिक मैथ्स में क्या होता है जो टॉपिक आता है उसका भी आंसर कभी कभी नहीं मिलता है और जो नहीं आता है तो उसको तो छोड़ ही दो ठीक है तो आई होप आप समझ रहे हो ये परसेंटाइल सिक्सटी फिफ्टी परसेंट कुछ भी आ रहा है इसको हटा दो दिमाग से ठीक है परसेंटाइल को पूरा दिमाग से हटा देना आप क्या करो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट पूरा का अच्छा बना लो अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है आप ये वीडियो देख रहे हो आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छा है आप मान रहे हो और आपका परसेंटाइल सिक्सटी फिफ्टी आ रहा है कोई बात नहीं ठीक है आप मॉक लगाओ डेडिकेशन से लगाओ और ट्राई करो हर क्वेश्चन सॉल्व करने का ठीक है हर क्वेश्चन जो आपको आती है वही ठीक है उसके बाद जब सबमिट करोगे मॉक तो आप वो एनालिसिस करो जो एनालिसिस करो कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ क्यों हुआ क्या हुआ वो बैठ के आराम से एनालिसिस करो एक घंटा दो ठीक है और ये परसेंटाइल का प्लीज़ दिमाग से हटा दो यार लोग कहेंगे मेरे एट्टी परसेंटाइल आ रहा है ये मॉक में कोई लोग कहते हैं ना यूट्यूब पर मैं देखता हूँ कुछ कुछ वीडियो लोग कहते हैं मेरे तो नाइनटी परसेंटाइल आ रहे हैं इस पर ये मॉक बहुत ईजी है मैं दूसरा प्रेफर करता हूँ यार मॉक कोई भी लगाओ यार ये सब मैटर नहीं करता है ठीक है अड्डा लगा के क्या कोई सिलेक्शन नहीं लिया है क्या हाँ टेक्सट बुक लगा के कोई सेलेक्शन नहीं लिया है क्या मतलब कोई भी मौक़ अब लोग है, ब्लेम करने में अलग बात है ठीक है वो जैसे मैं बताता हूँ जो लैंग्वेज रहता है एग्जाम लेवल का जैसे मैंने आपको बताया वो है आपका अड्डा मॉक से मैच करता है और बोर्ड से मैच करता है जो लैंग्वेज राइटिंग लैंग्वेज का मैं बात कर रहा हूँ ठीक है और कोई मॉक मैच करता होगा लेकिन मुझे पता नहीं लेकिन मुझे जितना मैं देखा हो मुझे ये लगा है ठीक है तो पर्सनटाइल का चक्कर में आप लोग ना रहें आप लोग पूरा मॉक अच्छे से दें और सारा क्वेश्चन को एनालिस करें आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा यार मॉक को परसेंटाइल ये सब देखने की जरूरत नहीं आप क्वेश्चन देखो मिस्टेक क्या किए हो और डेडिकेशन से वो 45 मिनट बैठ रहे हो या एक घंटा बैठ रहे हो कि नहीं वो मैटर करता है अगर आपने डेडिकेशन से बैठा है वो एक घंटा या 45 मिनट तो समझना आपका को, कोई क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाया आप वो क्वेश्चन जानते थे अटैम्प्ट क्यों नहीं कर पाए टाइम का वजह है क्या है उस पर काम करो स्पीड पर काम करो ये सब पे काम करो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक होगा यार पर्सेंटाइल का केस दिमाग से हटा दो तो आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की और कोई डाउट रह गई हो तो आप लोग हमसे कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में